हम जब भी कोई काम शुरू करते हैं तो उसमें सबसे पहले श्री गणेश का नाम लेते हैं। जानकारों का कहना है कि श्री गणेश का नाम लेने से किसी काम में रुकावट नहीं आती। हर बुधवार को श्री गणेश की पूजा करने से परिवार में खुशियां आती हैं और किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहती है। ज्योतिषियों का कहना है कि अगर किसी नए काम की शुरुआत बिना श्री गणेश का नाम लिए की जाती है तो उस काम में बाधाएं आती हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि किसी भी नए काम को शुरू करने से पहले देवता भी भगवान श्री गणेश की पूजा करते हैं। इसके बारे में एक कहानी है। जब भगवान शंकर और त्रिपुरासुर में युद्ध हुआ तो शंकर जी वध करने में असफल हो गए। बाद में जब भगवान शंकर ने अपनी असफलता पर विचार किया तो शिव जी को ज्ञात हुआ कि उन्होंने युद्ध से पहले श्री गणेश की पूजा नहीं की थी। बाद में उन्होंने श्री गणेश की पूजा की और फिर युद्ध में सफल हुए। ज्योतिषियों का कहना है कि अगर किसी की कुंडली में बुध कमजोर है तो उसे बुधवार को गणेश की पूजा करनी चाहिए। अगर कोई बुधवार को भगवान श्री गणेश की पूजा करता है तो उसका कुंडली दोष दूर होता है। हिंदू धर्म में गणेश की पूजा का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि श्री गणेश सभी के दुखों को हर लेते हैं। उनकी पूजा करने से शनिदेव समेत कई ग्रह दोष दूर होते हैं। गणेश जी की पूजा करने से किसी भी काम में रुकावट नहीं आती है। भगवान गणेश को खुश करने के लिए विशेष पूजा की जाती है। कहा जाता है प्रातः सुबह उठकर सबसे पहले गणेश की प्रतिमा को मिट्टी और नींबू से अच्छे से साफ कर लें। ध्यान रहे कि उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें। पूजा की सामग्री में कपूर, रोली, पुष्प, धूप, दीप और लाल चंदन आदि गणेश जी को समर्पित करें। ध्यान रहे कि गणेश जी की पूजा में कभी भी तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए। ज्योतिषियों के मुताबिक गणेश जी को लड्डू बहुत प्रिय हैं, इसलिए भगवान श्री गणेश को देसी घी के लड्डू चढ़ाने चाहिए।